भारतीय वायुसेना के बहादुर विमान मिग-27 को विदा कर दिया गया। इस विदाई के साथ ही मिग-27 के युग का अंत हो गया। एक समय में इस विमान से पाकिस्तान इतना डरता था कि उससे चुड़ैल की संज्ञा दी थी। कारगिल युद्ध में इस विमान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। कारगिल युद्ध में सटीक बमबारी से इस विमान ने पाकिस्तानी सेना को भगाने पर मजबूर कर दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या है मिग-27 का इतिहास और कब ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। देखिए हमारी ये खास पेशकश। कभी भारतीय वायुसेना की ताकत रहे मिग-27 लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को जोधपुर एयरबेस से आखिरी उड़ान भरी। इस तरह से आज मिग-27 की आखिरी विदाई हो गई। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के बाद इन विमानों को बहादुर उपनाम दिया गया था। मिग-27 विमानों की खरीद रूस से 80 के दशक में की गई थी। पुराना पड़ने के कारण पिछले दो दशकों में करीब एक दर्जन मिग-27 हादसे के शिकार हुए, जिसकी वजह से इनको भारतीय वायुसेना के बेड़े से हटाना पड़ा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1985 में शामिल किए गए घातक लड़ाकू विमान मिग-27 की आखिरी स्क्वाड्रन को शुक्रवार को औपचारिक रूप से विदा कर दिया गया। जोधपुर एयरबेस पर हुई विदाई समारोह के बाद इस स्क्वाड्रन के 7 विमान हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बन गए। जोधपुर एयरबेस में इस विमान की 2 स्क्वाड्रन थी, जिसमें से एक को इस साल की शुरुआत में डीकमीशन कर दिया गया, आखिरी को आज औपचारिक रूप से विदा कर दिया गया। इन विमानों को 2016 में ही विदाई देने की तैयारी थी, लेकिन वायुसेना में विमानों के घटते स्क्वाड्रन को देखते हुए इसमें 3 साल विलंब हुआ। बता दें कि 1981 में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए विशेष किस्म के तेज लड़ाकू विमानों की जरूरत थी। उस समय पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन पाकिस्तान के करीबी थे और वो भारत को अपने उन्नत लड़ाकू विमान नहीं देना चाहते थे। ऐसे में रूस ने अपने मिग-27 विमानों को भारत को बेचने की पेशकश की। रूस ने यहाँ तक कहा कि वे इस विमान को बनाने का लाइसेंस भी भारत को देगा, जिसके बाद 1985 में औपचारिक रूप से यह विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। रूस से लाइसेंस मिलने के बाद HAL ने मिग-27 विमानों के 165 यूनिट का निर्माण किया। इसके अलावा HAL ने 86 विमानों को अपग्रेड भी किया। मिग-27 विमान की कमी भारतीय वायुसेना और भारतीयों को बहुत खलेगी, लेकिन बदलाव प्रकृति का नियम है। ऐसे में बार बार खराब हो रहे मिग-27 को विदा करना बहुत जरूरी था। फिलहाल भारतीय सेना की शान रहे मिग-27 विमान को अब संग्रहालय में रखने की तैयारी की जा रही है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।